सारसारम भुजगेंद्र हारम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपने अभी अभी जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी नास काकावाड़ियों के लिए गाया हुआ गाना सुना है, दरअसल इस गाने पर अब बवाल मच गया है। मुस्लिम उलेमा को फरमानी नास का ये गाया हुआ गाना नागवार गुजर रहा है और उलेमा ने ये तक कह दिया है कि मुस्लिम होकर इस तरह का गाना नहीं गाना चाहिए था। फरमानी नास ने भी इस पर क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मीडिया से बात करते हुए मौलाना मुफ्ती असद काश्मी ने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई भी किसी भी तरह का गाना जो है जायज़ नहीं है। इस्लाम में और मुसलमानों को अगर कोई गाना गाता है मुसलमान होते हुए तो वो गुनाह कबीरा है, और जो है किसी भी तरीके के गाने हों उनसे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये एक जो है फरमानी कोई औरत है, इसने जो है ये गाना गाया है, ये वैसे भी जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है और मुआशरे के अंदर जो मुसलमान होने के बावजूद इस तरीके के गाने गाती है तो ये गुनाह है, उसको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तो सुना आपने मौलाना साहब ने क्या कहा है। दरअसल सोशल मीडिया से गाना गाकर इंडियन आइडियल तक पहुंचने वाली फरमानी नास के फैंस काफ़ी संख्या में है और फरमानी को हर तरह का गाना गाना पड़ता है। अब कांवड़ियों के लिए गाए हुए गाने पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। फरमानी अपने बेटे के इलाज और घर खर्च के लिए गाना गाती हैं क्योंकि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद इस काम में उनके भाई उनका मदद करते हैं। सुनिए फरमानी नास ने भी क्या कुछ कहा है। ये सोच के निगाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे हैं। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नजम के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पर अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। जी डिमांड थे, जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही कह रहे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के। हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुँह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी, कैसो भला मैं कहाँ से लाऊँ। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ आता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली, फिर वहाँ तो जाने का आसरा ही खो गया। फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगे। आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान, तो घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी आना पड़ा। अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी, गोल्डन टिकट भी बस यूँ ही रह गया। जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पर। वही फरमानी नास की माँ फातिमा कहती है कि जिसे बुरा लगता है वो हमारे घर का खर्च चलाएगा, तो फरमानी नास गाना नहीं गाएंगी। फरमानी नाच की माँ का कहना है कि फरमानी अपने बेटे के इलाज के लिए गाना गाती हैं और घर के खर्च चलाने के लिए। फरमानी नाच की माँ फातिमा ने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये भाई करत है, जब मुसलमान की लड़की गाना गा रही तो ऐतराज उठा रहे, उनकी भी वो नहीं है। पर यह जब भाई गाना गाती है, वो सिंगर है, तो उसे हर तरीके के गाने पड़ते हैं। जैसा कोई कहता है ऐसा ही गाना पड़ता है। अब बताओ, कोई उसके द्वारा प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने बच्चे को तो करेगी पूर्ति उसकी, गावेगी वो तो। जैसा कोई कहे गावे भजन भी गा दे भाई, वैसे भी गाने गावे, नजम भी गावे, कव्वाली भी गावे, तो सारे तरीके का गाना गावे। जब सिंगर है तो उसे हर तरीके का गाना पड़ेगा। जैसे ये लोग करे गलत है, बस उनके दिमाग की बात है भाई, उनके दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा। अब इस बात को तो नहीं देख रहे भाई, बेचारी अपने बच्चे को पाल लिया कैसे करी। जब सिंगर है तो गावेगी हर तरीके, वैसा कव्वाली गावेगा तो कव्वाली गानी पड़ेगी, और फिल्मी दुनिया गाने तो गावेगी गावे। ये तो यो है जी, वो कुछ वो और बात थोड़ी, अपना कोई वो थोड़ी कर रही, अपने नमाज ही पढ़ रही, रोजा भी रख रही, सारे काम कर रही ना। तो वो ठीक है, जैसा भाई उनका दिमाग है, उनके भी अपने दिमाग से सही कह रहे हैं। हम तो किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, पर यह है भाई
जब वो कर रहे हैं तो भाई अपने हमें कुछ ऐसा दे तो हमारे बच्चे कहीं भी ना जाओ, अपने घर ही बैठकर खा ले। गुजर बसर आपका इसी चीज से होता है, फरमान दिया। गुजर बसर घर का खर्चा, हाँ जी इसी से करती हूं।